हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है रमेश और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल द नॉलेज रेस। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अग्निपथ के बारे में, जो लेटेस्ट एक योजना जो है, एक स्कीम जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की साइड से लाई गई है, जिसके ऊपर हर जगह आपको कंट्रोवर्सी और हर जगह आपको क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारी ट्रेन जो है उनको भी जलाया जा रहा है, बहुत सारे रोड जो है उनको भी ब्लॉक किया जा रहा है, बहुत सारे बच्चों ने जो है अभी तक सुसाइड कर लिया है, अपने आप को ही ख़त्म कर लिया है। तो ये पूरी स्कीम के बारे में समझेंगे, इसके बारे में सरकार क्या कहती है और क्या ये पूरी स्कीम है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जितने भी आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है इसके लिए हम कंटेंट बनाते हैं और आपको जो सारा का सारा एब्सोल्युटली मिलेगा, आने वाले एग्जाम्स के लिए जो है हेल्पफुल रहेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे भी बहुत सारी प्लेलिस्टें ऑलरेडी दी हुई है। तो चलिए जल्दी से इसको स्टार्ट कर लेते हैं। मैं पीडीएफ जो है जितना भी जो कंटेंट जहाँ पे है जो सारा का सारा माई जीओवी है, माई गवर्नमेंट जो है एक वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है गवर्नमेंट की, और वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है। और ये सारी पीडीएफ जो है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर भी प्रोवाइड कर दूंगा, वहाँ से जाके आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। तो मैं पीडीएफ को थोड़ा सा जूम आउट कर रहा हूँ, इसके बारे में देखते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। पहले नंबर पे जो है वो है ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम। सरकार जो कह रही है कि हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग इसमें जो है वो नेशनल इंटीग्रेशन की बात यहाँ पे सरकार कर रही है कि हम लोग यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन करेंगे और जितनी भी डाइवर्सिटीज है, अलग अलग रिलीजन के जितने भी लोग जहाँ पे हैं इंक्लूडिंग वुमेन, हम सबको जो है वो आर्मी में, जो भी हमारी डिफेंस फोर्सेज है, जिस स्कीम जो है डिफेंस फोर्सेज के लिए तीनों लेवल पे, चाहे वो आर्मी हो, नेवी हो, या एयरफोर्स हो, उन पे कैसे, इन सब तीनों कंपोनेंट पे कैसे आने वाले समय में रिक्रूटमेंट हो, तो इसके लिए जिस पूरी स्कीम लाई गई है। तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि हम लोग जो है यहाँ पे नेशनल इंटीग्रेशन की बात कर रही है सरकार, कि इस स्कीम से नेशनल इंटीग्रेशन होगी, नेशन बिल्डिंग होगी, क्योंकि हम लोग एम्पावर्ड करेंगे यूथ को, उनको डिसिप्लिन सिखाएंगे, मिलिट्री ट्रेनिंग हम उन्हें देंगे, और मिलिट्री के प्रति उनका जो आर्मी के प्रति, जो डिफेंस फोर्सेस के प्रति उनका जो प्यार है उनकी जो, तो वो ज़्यादा बढ़ेगी। इसके साथ हम लोग आगे देखते हैं और क्या कह रही है सरकार इसके बारे में। आर्म्ड फोर्सेस की अगर हम लोग बात करें तो सरकार का यहाँ कहना है कि इम्प्रूव्ड बैटल प्रिपेयरनेस हम लोग करेंगे, कि अगर कहीं पे भी बैटल होती है तो, और हम लोग अपने जूथ को इस तरीके से ट्रेन करेंगे कि वो जो है आने वाले किसी भी मुसीबत से जो है वो निपटने के लिए तैयार रह सकते हैं। इसमें सिलेक्शन जो होगी वो कैसे होगी कि एक ट्रांसपेरेंट वे से इसमें सिलेक्शन होगी, यूथफुल प्रोफाइल इसमें रहेगी, क्योंकि ऑप्टिमल बैलेंस एंड यूथ एक्सपीरियंस जो है इसमें जो रहेगा, हॉर्नेस बेनिफिट्स ऑफ स्किल इंडिया रहेगा, पर इंडक्शन फ्रॉम टेक इंस्टीट्यूट जितने भी हैं, जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है वहाँ से इन्हें ट्रेनिंग हम इन अपने जूथ को जो है वो देंगे। उसके बाद अगर इंडिविजुअल लेवल पे बात करें तो सरकार यहाँ पे कह रही है कि अपॉर्चुनिटी रहेगी जूथ के लिए कि अपना ड्रीम जो है वो फुलफिल कर सकते हैं। किसी को भी अगर आर्म्ड फोर्सेस में जाने का उसका ड्रीम है तो वो इस स्कीम से अपना ड्रीम जो है वो पूरा कर सकता है, चाहे वो किसी भी धर्म जाति का हो या फिर मेल और फीमेल कोई भी हो, तो वो अपना जो है ड्रीम आर्मी में जाने का पूरा कर सकते हैं। इम्बाइब जो है मिलिट्री डिसिप्लिन रहेगा, मोटिवेशन रहेगी, स्किल एंड फिजिकल फिटनेस जो है उनको दी जाएगी। रिज्यूम सो यूनिक, ये कुछ इसके बेनिफिट्स सरकार जो है वो गिना रही है स्कीम के बारे में। तो एट ए अग्नि, दैट ए अग्निवीर, अग्निवीर किसको कहा जाएगा, जो भी हमारा जूथ, चाहे वो मेल फीमेल या किसी भी धर्म जाति से, जो तीनों लेवल पे आर्मी एयरफोर्स और नेवी में जाएंगे उनको क्या कहेंगे, अग्निवीर के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो कह रहे हैं स्मूथ इंटीग्रेशन इनटू द सोसाइटी में रहेगा, कि कैसे सरकार कह रही है यहाँ पे उनको स्किल स्क्रीनिंग असेसमेंट सेट्स होंगे, सर्टिफिकेशंस एंड डिप्लोमास उनको दिए जाएंगे, हायर एजुकेशन और क्रेडिट्स भी उनको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ ही गुड फाइनेंशियल पैकेज जो है वो भी इनको दिया जाएगा और कॉन्फिडेंट एंड बेटर सिटीजन जो है इनको बनाया जाएगा, ये कहीं भी किसी भी सिचुएशन के निपटने के लिए जो है वो कॉन्फिडेंट होंगे। इसके बाद जो आगे जो कह रहे हैं कि ठीक है, ये पूरा जे जो इसके कुछ बेनिफिट्स जो थे वो सरकार यहाँ पे गिना रही थी, ऊपर सीधा लिखा हुआ है इन्होंने कि ट्रांसफॉर्मेटिव स्कीम्स के बारे में। अब हम और देखते हैं कि सरकार का क्या कहना है इसकी फीचर, इसके क्या कहें स्कीम के बारे में, तो उनके बारे में देखते हैं। देखो किस फीचर सरकार जो कह रही है इसके बारे में कि सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी टू सर्व द नेशन एज अग्निवीर। अग्निवीर जो है, जैसे हम
इस टाइम जो आर्मी के स्पाई रहते हैं, चाहे वो तीनों लेवल पे, तीनों हमारी अलग अलग जो डिफेंस फोर्सेस हैं, एयर फोर्स है, नेवी है और फिर आर्मी है, इन तीनों लेवल पे जो यहाँ पे रिक्रूट होंगे तो उनको हम क्या बोलेंगे, अग्निवीर के नाम से उन्हें जाना जाएगा। उसके बाद पैन इंडिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट होगी। मेरिट बेस्ड रिक्रूटमेंट के साथ साथ जो है आगे क्या कह रहे हैं कि टेन्योर, जहाँ से सबसे बड़ी दिक्कत जो यहाँ पे जो एस्पिरेंट को हो रही है, जो आर्मी में अपना फ्यूचर देख रहे हैं, तो उनको हो रही है कि वो जो है यहाँ पे टेन्योर सरकार कह रही है कि आपको कितने साल के लिए रिक्रूट किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ 4 ईयर के लिए, 4 साल के लिए आपको जो है आर्मी में रिक्रूट किया जाएगा, चाहे तीनों लेवल पे रिक्रूट किया जाएगा, एयरफोर्स, डिफेंस, एयरफोर्स, नेवी और इसके साथ साथ आर्मी। तो 4 साल के लिए आपकी जो है रिक्रूटमेंट होगी। तो सबसे बड़ी दिक्कत जो है एस्पिरेंट को जो आर्मी में अपना फ्यूचर देखना चाहते हैं या देख रहे हैं, तो उनको यहाँ पे आके 4 साल के बाद सरकार उन्हें बेरोजगार कर देगी, ठीक है। उसके बाद इनको जो सैलरी मिलेगी, पैकेज जो मिलेगा, उसे सेवा निधि के नाम से जाना जाएगा। और सेवा निधि भी सरकार कह रही है कि उनको मंथली बेसिस पे जो सैलरी है, जो पैकेज है, वो उनको दिया जाएगा। कितना दिया जाएगा और क्या क्या है वो तो आगे हम इस स्कीम के देखते हैं। अपॉर्चुनिटी रहेगी, सरकार यहाँ पे ये भी कह रही है कि अपॉर्चुनिटी जो भी एस्पिरेंट होंगे, जो इसमें रिक्रूट होंगे 4 साल के लिए, एक तो ये यहाँ पे फिजिकल फिटनेस, मेडिकल वगैरह जो देख के रिक्रूट होंगे, कोई एग्जाम यहाँ पे नहीं कंडक्ट किया जाएगा। तो 4 साल के बाद जो अपॉर्चुनिटी उनके पास रहेगी, 25% जो अग्निवीर होंगे उनको परमानेंट कर दिया जाएगा, आगे आने वाले 15 ईयर के लिए सर्विस वो अपनी तीनों लेवल पे दे सकते हैं। और बाकी जो 75% बचेंगे इनको यहाँ पे निकाल दिया जाएगा और ये अपना कहीं पे भी दूसरा किसी दूसरी फील्ड में अपना फ्यूचर जो है वो देख सकते हैं, जो सरकार का कहना है। तो 4 साल के बाद जो है उनका एक क्या होगा, सिलेक्शन थ्रू सेंट्रल ट्रांसपेरेंट एंड रिगोरस सिस्टम के साथ एक ट्रांसपेरेंट बेस से आगे फर्दर जो है परमानेंट के लिए उनके जो है इसको किया जाएगा। अब हम और देखते हैं फ्रेंड्स इसके बारे में कुछ और मेन पॉइंट्स जो हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसके ऊपर कंट्रोवर्सी भी बहुत ज़्यादा चल रही है, हो सकता है कि आने वाले टाइम में इस स्कीम को ही ख़त्म कर दिया जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन अभी तक के लिए सरकार ने कुछ ऐसा डिसीजन नहीं लिया है। एलिजिबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, जो भी अग्निवीर एज ए अग्निवीर रिक्रूट होंगे तो उनकी उम्र जो है वो 17.5 साल से लेकर 21 साल होनी चाहिए। तो यानी इसी के बीच रिक्रूट होगी। और सबसे बड़ी दिक्कत एस्पिरेंट को अभी भी है कि जो 21 साल से ऊपर हो गए हैं तो वो अभी आर्मी में नहीं जा सकते हैं, तो ये उनके लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। 2019 और 2020 में जो भी भर्तियां निकाली गई थी कोरोना के कारण, कोविड के कारण, वो रिक्रूटमेंट कंप्लीट नहीं हुई है। जिन बच्चों ने फिजिकल अपना कंप्लीट किया है, मेडिकल कंप्लीट किया है, तो उनको आगे उनकी उम्र ज़्यादा होने के बाद अब जो बाहर हो रहे हैं, सरकार कह रही है कि जितनी भी भर्तियाँ निकाली गई हैं अब उसको वो वैलिड नहीं माना जाएगा। अब रिक्रूट जो आर्मी डिफेंस फोर्सेज में होगी वो नए तरीके से होगी, तो इसको भी लेके बहुत बड़ा बवाल जो है वो मचा हुआ है। उसके बाद रिक्रूटमेंट की अगर हम बात करें तो कैंडिडेट जो है एनरोल्ड होगा अंडर द रिस्पेक्टिव सर्विस एक्ट के जो एक्ट बना होगा, जे इस रिक्रूट को लेके जो एक्ट है, तो उसके रिक्रूटमेंट के हिसाब से जो है उसको रिक्रूट किया जाएगा। 4 साल के लिए उसका ड्यूरेशन होगा, इंक्लूडिंग इसमें ट्रेनिंग पीरियड, यानी 4 ईयर में ही उसकी ट्रेनिंग होगी। और यहाँ पे 6 मंथ की उसकी जो है वो ट्रेनिंग होगी, 6 मंथ की, और उसके बाद जो है आगे 3.5 साल वो अपने एज ए सर्विस दे सकता है। और इस ट्रेनिंग के लिए भी सैलरी सरकार कह रही है हम लोग देंगे, बट बच्चों को सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आर्मी में पूरा कंप्लीटली प्रिपेयर होने के लिए 7 से 8 साल लग जाते हैं, जो अलग अलग ट्रेनिंग होती है। तो यहाँ पे 6 मंथ की ट्रेनिंग देंगे, वो कह रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी के साथ जो है वो खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर हम कहीं पे भी बॉर्डर पे कहीं पे भी लड़ाई करने के लिए जाएंगे, जहाँ कोई भी वार की सिचुएशन होगी, तो हमारी जान को खतरा हो सकता है, क्योंकि 6 महीने में कितना ही प्रिपेयर जो है इंसान हो सकता है, ठीक है। तो आगे जो इसके और क्या क्या है जो कंट्रोवर्सी है वो भी मैं आपको साथ साथ बताता जा रहा हूँ। तो आगे ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ट्रेनिंग लिखा है, मिलिट्री ट्रेनिंग होगी, जो भी एग्जिस्टिंग पहले जो मिलिट्री ट्रेनिंग होती थी उसी हिसाब से इनको भी ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। सर्विसेज की बात करें तो इनको हर जगह सर्विस अपनी देने का मौका मिलेगा, चाहे वो माउंटेन एरिया हो, डेजर्ट हो, लैंड हो, सी हो या एयर हो, सब जगह इनको जो है मौका मिलेगा कि वो अपनी सेवाएँ जो है वो सब जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम बात करते हैं कि और इसके बारे में क्या है। यहाँ पे फाइनेंशियल पैकेज की अगर हम बात करें ठीक है, तो फाइनेंशियल पैकेज जो उन्हें मिलेगा वो यहाँ पे सरकार कह रही है कि फर्स्ट ईयर में अप्रोक्सीमेट उनको 4.76 लाख मिलेगा और ये अप टू बढ़ता जाएगा
4,70,000 रुपया उनको जो है फर्स्ट ईयर का पैकेज मिलेगा, और बढ़ता बढ़ता जब फोर्थ ईयर में जाते टाइम कितना हो जाएगा, 6.92 लाख ईयरली हो जाएगा, यानी साल में उन्हें इतना पैसा जो है वो मिलेगा। मैं एक नेक्स्ट स्लाइड भी आपको दिखाऊंगा कि वहाँ पे पूरा कंपेरेटिवली कितना कितना पैसा मिलेगा, तो वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये सरकार का यहाँ पे कहना है कि फर्स्ट ईयर में उन्हें इतनी सैलरी मिलेगी और फोर्थ ईयर जाते जाते उनको इतना पैसा मिल जाएगा। इसके साथ साथ अलाउंसेज जो होते हैं, रिस्क, हार्डशिप, राशन, ड्रेस, ट्रैवल अलाउंसेज, जहाँ जिस सारे उन्हें मिलेंगे। और सेवानिधि में जो है, सेवानिधि जो है एक फंड बनेगा जिसमें 30% सैलरी सरकार कह रही है कि मंथली जितनी 30% सैलरी जो है उनकी कटेगी, और सरकार भी अपनी साइड से 30% उसमें कंट्रीब्यूट करेगी, उसके ऊपर जो भी इंटरेस्ट मिलेगा वो सारा कुछ करके जब 4 साल के बाद वो रिटायर होंगे, घर जाएंगे, तो उनको जो है वो जो पैकेज कंप्लीटली जो है वो दिया जाएगा। अब वो कितना उनको दिया जाएगा, सरकार यहाँ पे कह रही है कि इनका जो अप्रॉक्सीमेट बनेगा वो बनेगा 11.71 लाख, 11,71,000 रुपया इनका जो है वो फोर्थ ईयर के बाद जो इनकी डिडक्शन 30% होगी, इतना पैकेज दे के और उन्हें जो है घर भेज दिया जाएगा। और इसके ऊपर एग्जेम्प्टेड होगा इनकम टैक्स जो है, 11.71 लाख जो उन्हें मिलेगा इसके ऊपर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, जो टैक्स फ्री होगा, जो भी उन्हें पैसा मिलेगा वो सारा इन्हीं का रहेगा। उसके बाद डेथ की बात कर रही है सरकार की, डेथ कंपनसेशन जो है वो भी दिया जाएगा। अगर भगवान ना करे कि ऐसा कहीं किसी के साथ हो जाता है कहीं पर भी, कोई बॉर्डर एरिया पर या कहीं पर भी अगर डेथ हो जाती है, तो उसके लिए उन्हें क्या बनेगा, लाइफ इंश्योरेंस जो है नॉन कंट्रीब्यूटर, जो उसने कंट्रीब्यूशन नहीं किया उसके लिए 48 लाख जो है इंश्योरेंस कवर उसे दिया जाएगा। एडिशनल भी जो है 44 लाख जो है फॉर डेथ एट्रीब्यूट जो है एट्रीब्यूटेबल टू सर्विस, ये उन्हें 44 लाख दिया जाएगा। और ये जो है अब फॉर जो आगे, मान लो कि 2 साल उन्हें अपनी सेवाएं दी थी तो उसके बाद डेथ हो जाती है, तो जो बाकी वाला रिमेनिंग पीरियड बचा होगा जितनी भी उसकी सैलरी वो बनेगी वो सेवा निधि में उनको जो है वो दी जाएगी। ठीक है, आगे जो है डिसेबिलिटी की बात करते हैं कि डिसेबिलिटी जो है अगर हो जाती है, मान लो कि लड़ाई के टाइम या कहीं पे भी गोली लगने से डिसेबिलिटी हो जाती है, तो यहाँ पे सरकार कह रही है कि वन टाइम एक्सक्रेट है उसको दिया जाएगा 44, 25 और 15 लाख फॉर द, अगर 100% डिसेबिलिटी होती है तो उसको 44 लाख दिया जाएगा, अगर 75% डिसेबिलिटी हो जाती है कहीं कोई गोली लगने से या कुछ ऐसा एक्सीडेंट होने से तो फिर 25 लाख मिलेगा, और 50% होती है तो फिर उनको 15 लाख रुपया जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये है। इसके बाद आगे जो है वो क्या है और भी देखते हैं। यहाँ पे जो है कंप्लीशन ऑफ द टेन्योर, जैसे ही वो उनका कंप्लीशन होगा, ऑल कैंडिडेट्स एंटाइटल्ड सेवा निधि ऑन द कंप्लीशन ऑफ 4 ईयर, और स्किल गेंड सर्टिफिकेट भी उन्हें दिया जाएगा, क्रेडिट फॉर द हायर एजुकेशन वो भी दिया जाएगा, और ये सारा कुछ यहाँ पे सरकार कह रही है कि उनको मिलेगा। स्क्रीनिंग असेसमेंट के लिए सेंट्रलाइज्ड ट्रांसपेरेंट स्क्रीनिंग बेस्ड ऑन द मेरिट एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड परफॉर्मेंस ड्यूरिंग द सर्विस, अग्निवीर जो है वो अप्लाई कर सकते हैं वॉलंटियर बेसिस पे अगर वो फर्दर अपना करना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए सैलरी वगैरह नहीं देंगी। आर्मी में अगर वो वॉलंटियर बेसिस पे काम करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा कुछ इसमें है। उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहे हैं कि सिलेक्शन थ्रू ए सेंट्रलाइज ट्रांसपेरेंट एंड रिगोरस सिस्टम, एक ट्रांसपेरेंट वे से उनकी सिलेक्शन होगी। वन एनरोलमेंट इन रेगुलर कैडर, पे फिक्स्ड एज रेगुलर सोल्जर, पेंशन एज पर एक्सटेंट रेगुलेशंस। तो जो 4 साल के बाद आ जाएंगे उनको तो पेंशन मिलेगी नहीं, आगे के लिए 15% जो 25% सिलेक्शन होगी, तो आगे 15 ईयर के लिए जो जाएंगे तो उनको जो है वो पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, तो ये पूरा सरकार का जहाँ पे कहना था ये पूरी स्कीम है। तो आगे हम कुछ और चीज़ें इसके बारे में देखते हैं। सैलरी की जहाँ पे हम बात कर रहे थे, यहाँ पे फर्स्ट ईयर में उन्हें सैलरी जो है 30,000 मिलेगी, और इसमें से 21,000 रुपया उनको मिलेगा, 9,000 रुपया जो है इनका कंट्रीब्यूट कर दिया जाएगा सेवा निधि फंड में। और यहाँ पे कंट्रीब्यूटर अग्निवीर कॉर्पस फंड जो बनेगा, अग्निवीर कॉर्पस फंड, उसमें 30% इसका 9,000 जाएगा। सरकार भी इसमें कंट्रीब्यूटर कितना करेगी, सरकार जो है इसमें वो भी कंट्रीब्यूट करेगी 9,000 सरकार जो है इसमें कंट्रीब्यूट करेगी। और ये सेकेंड ईयर में भी बढ़ता जाएगा, सेकेंड ईयर में उन्हें इतनी सैलरी मिलेगी, इतना उनका डिडक्शन होगी, थर्ड में इतनी मिलेगी, इतनी डिडक्शन होगी, फोर्थ में इतनी मिलेगी, इतनी डिडक्शन होगी। और ये सारा जो है यहाँ पे आगे सरकार बता रही है कि जो उनका कंट्रीब्यूशन होगा, यहाँ पे ये बता रहे हैं कि इनका जो कंट्रीब्यूशन होगा ये रहेगा
और 5 लाख 2 हज़ार इनका जो है वो कंट्रीब्यूशन रहेगा, इतना ही 5 लाख 2 हज़ार सरकार डालेगी और कुछ इसके ऊपर जो टैक्स जो इंटरेस्ट वगैरह मिलेगा तो वो इंटरेस्ट डाल के 11 लाख 71 हज़ार कुछ बनेगा, अप्रॉक्स 12 लाख के आसपास इन्हें जो है वो मिलेगा, उसके बाद इनके रिटायर वो हो जाएगी। जितना सैलरी का यहाँ पे गवर्नमेंट जो है वो वन टाइम पीआईबी जो है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया जो है इनकी साइड से यहाँ के एक ट्विटर पे ट्वीट किया गया है, यहाँ पे बताया गया कि वन टाइम जो है उन्हें क्या दी जाएगी, एज रिलैक्सेशन दी जाएगी। और वन टाइम एज रिलैक्सेशन जो है वो कितनी दी जाएगी, जो बहुत ज़्यादा बच्चे जो है प्रोटेस्ट वगैरह कर रहे हैं, 21 साल इसकी जो है उन्होंने अपर एज लिमिट रखी है, तो यहाँ पर इन्होंने कहा है कि 2022 में जो है इस साल के लिए जो भी भर्ती होंगी तो उसमें हम इसको 23 ईयर तक एज को एक्सटेंड करेंगे, यानी 2 साल की जो है इन्हें एज रिलैक्सेशन जो है यहाँ पर दी गई है। तो कंट्रोवर्सी क्या है, बच्चों का क्या कहना है, वो भी हमने इसमें बीच बीच में डिस्कस कर लिया। तो होपफुली कि आपको जो पूरा वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और चैनल के ऊपर पहली बार आया हो तो चैनल को जरूर कर लें, डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, वहाँ पे भी बहुत सारी प्लेलिस्टें दी हैं और आने वाले वीडियो आने वाले एग्जाम के लिए जो सारे वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के लिए, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।